खरगोन जिले के मंडलेश्वर थाना क्षेत्र के सोमाखेड़ी में जनजाति समाज की महिला के खिलाफ अवैध शराब बिक्री का मामला दर्ज करना पुलिस के गले की फांस बन गया है। गिरफ्तार की गई महिला से मिलने पहुंची नाबालिग दिव्यांग बेटी के साथ थाने में टीआई एवं स्टाफ द्वारा अभद्र व्यवहार करने का वीडियो वायरल होने के बाद जायज संगठन में आक्रोश व्याप्त है। घटना के विरोध में शुक्रवार को जनजाति समाज के लोग नवग्रह मेला मैदान में इकट्ठा हुए, यहाँ ग्राम सभा आयोजित कर पुलिस के रवैये के खिलाफ नाराजगी दर्ज कराई। राष्ट्रीय एवं प्रदेश के पदाधिकारियों ने सभा में कहा कि प्रदेश में आए दिन आदिवासी दलित पिछड़ों पर अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, इसके खिलाफ एकजुट होना होगा, तभी हम इन घटनाओं को रोक सकते हैं। जयस ने सभा स्थल पर ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। उसके बाद में लिखित में दे दे सामान्य प्रशासन को कि इसका मालिक कौन है, होता कि नहीं होता, तो समझ रहे हो कि मालिक कौन है, आप सब मालिक हो। कंडीशन में शर्त ये है कि आप अपने आप को मालिक समझते नहीं हो। हमारी माता बहन ने अपने आप को लड़कों वर्ष जो मोहब्बत के देश नारा बनती है, अगर ऊपर सरकार नहीं है तरफा कुछ है ही नहीं, और आदिवासियों को झूठे प्रकरण पुलिस ने हमारे भाई को कोई बिलड़ा बोलते हैं, कोई कुछ भी बोलते हैं, तो वो अपने आप को ऐसा कर यार मैं तो हो ही ऐसा पुलिस वाले की शिकायत, अरे वही मारने लग जाओ आपको कोई नहीं कुछ नहीं कर सकता। 101 कैसे की कंप्लेंट बंद करवाने के लिए उसके भाई को 34 दो का मुकदमा लगाया, मालिक जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। ये तो हमारे बीच में से कई महानुभव बैठे हैं, ऐसे कई दिग्गजधारी नेता बैठे हैं, 70 साल से यही सारी चीजें चलती आ रही, लेकिन आदिवासियों का उद्धार होती नोटिस है। आप बताओ हमारे पास ऑप्शन क्या है, ये कुछ ऑप्शन कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। घटना घटी, तो इसलिए अगर इस बहन की हमको लड़ाई लगती है तो इस एसपी को और यहाँ के एडिशनल एसपी को, उसके बाद में यहाँ के टीआई को, इनको बालाघाट भेजो, इनको पता चलना चाहिए कि आदिवासी क्षेत्र में महिला से आदिवासी क्षेत्र में अगर नौकरी करना है तो इसी जगह नौकरी करो, तो तुमको मालूम पड़ेगा कि आदिवासी का ओरिजिनल पावर से जो गाली गलौज और बिना हम अपने आप को मिलने आ रहे उन लोगों को किस तरह से जो व्यवहार कर रहे हैं, तो महिलाओं को कहना कैसे बता दी कि करो छोटे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल करें। साथ में हम हमारी रोजी रोटी के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, हम जंगल में जाते थे तो हम इनका उपयोग इसलिए करते थे कि हमारे बनाने नहीं दिया गया, हमने उसका संज्ञान लिया। लेकिन आप मजबूर मत करो कि हम इनको गलत दिशा में चलाने के लिए मजबूर में आके फांसी, आपको मालूम होना चाहिए कि जितनी सोमा खेड़ी में जो सभा रख रही है कच्चे दारू नहीं बिकते, इससे ज्यादा हर एक दुकान में दहिया मिल जाएगी। वीडियो दिखा रहे हैं सोमा खेड़ी में, इसमें वो महिलाएं खुद ही लेके उतार रही है लड़की। हमारी बहन ने आपको ये भी वीडियो आपको बताया गया, उसमें साउंडलेस बताया गया होगा, और वो भी बताएंगे, लेकिन हमारे पास वीडियो आया है, उसमें डीएस आप खुद बोल रहे हैं ये लंगड़ी है या नहीं, उसका लेके उतार बोले तो घर के मारे उस भाभी लोग बोले वीडियो उतार और ऐसा बात बात के अंदर जा रहे हैं, तो आपको जो हमको भी बताया वो वीडियो तो गलत है, हमारे समाज में साहब गाली गलौज कर रहे हैं, इसलिए जो आवाज जो की मांग है, हम मानने को तैयार हैं, जांच की मांग को लेकर भी तैयार हैं। अगर आप यहाँ के अधिकारियों से जांच भी कराना चाहते हैं तो अन्य जिलों के अधिकारियों से जांच करा लें, ऐसा कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी हमारे लोग हैं और बीजेपी भी हमारे लोग हैं, जब अत्याचार शोषण होता है तो इनके मुंह में जैसे आग से लगाना कोना लगता है, हमारी सभा है इस सभा में हम लोग तय करेंगे कि इसको जांच कर रहा हूँ क्या है, जुडिशियल जांच हो जो भी हो हम लोग उसमें इन्वॉल्व रहेंगे और हमारे साथ ही लोग भी रहेंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ विश्वास में रखो हमें लीडर बनाना है, जब एक महुए की दारू को लेकर इतना बड़ा बवाल मचाया जा रहा है, जब बड़े बड़े ठेकेदार या दारू बेच रहे उनका एक भी केस नहीं बना, अगर मैं भी ऐसा हूँ तो बाकी और पुलिस थाना वाले भी यही कर रहे हैं, तो हमारी मांग है कि भाई जो छोटे मोटे केस बन रहे हैं महुए की दारू के लेकर इसको नाम बनाए ले, हमारे आदिवासी समाज में परंपरा से जुड़ा हुआ सवाल है, दीपावली तो दीपावली में हर घर में हर घर में बनता है, और मोबाइल का सरकार को मालूम है, समाज सिर्फ क्या हमारा है नहीं बोला है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे छोटी मोटी कार्य मोबाइल के दारू के लिए करना हो, नहीं तो आप ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच और उसका कार्रवाई हो, बिल्कुल कार्रवाई हो उसके ऊपर, और उसमें हमारे लोग भी हमारे साथ बहुत साथ होता है और अत्याचार होता है, समय से समाज से जुड़े हुए रहने और ऐसा ज्यादा समय ले लिया हूं मैं मुद्दे की बात पे आ जाता हूं, मेरा नाम मायरा है, हमारे भाई परंपरागत रूप से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज, हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।